हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दाइंग एरिंग कमिटी रिपोर्ट के बारे में। दाइंग एरिंग कमिटी हमारा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, और जो अरुणाचल का प्रेजेंट डे पंचायती राज सिस्टम है उसका शुरुआत दाइंग एरिंग कमिटी रिपोर्ट में ही था। ये कमेटी एक चार मेंबर कमेटी था डॉक्टर दाइंग एरिंग के चेयरमैन के अंदर, और उसको बनाया गया था अप्रैल 1964 में। ये कमेटी एक इन्वेस्टिगेटिव बॉडी था जो अरुणाचल का गवर्नमेंट में डिसेंट्रलाइजेशन कैसे लाए जाए उसका ऊपर ये स्टडी करने के लिए ये बॉडी को फॉर्म किया था। और ये अरुणाचल का ही नहीं, जो इंडिया का पंचायती राज सिस्टम है उसमें उसका बहुत इन्फ्लुएंस था। ये कमिटी का दो एम था। सबसे पहले अरुणाचल में जितना ट्राइबल ग्रुप्स है उसमें वो लोग ट्रेडिशनल अथॉरिटी कैसे एक्सरसाइज करता है उसको स्टडी करने के लिए बनाया था। और सेकेंडली उसका दूसरा एम था एक थ्री टीयर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अरुणाचल में एस्टेब्लिश करने के लिए। तो उसका आउटकम था, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा पंचायती राज 1967 में पास किया गया था। ये एक अरुणाचल का जो पंचायती राज सिस्टम है उसका एक फाउंडेशन स्टोन है। इस जस्ट नेफा का पंचायती राज 1967 के बारे में हम डिटेल्स में दूसरा वीडियो में पढ़ेंगे, और अभी के लिए आप इतना ही जानिए कि ये जो दाइंग एरिंग कमिटी का एक सबसे पहले इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन था ये नेफा पंचायती राज 1967 को पास करने के लिए। और तीन टीयर सिस्टम के बदले में ये कमिटी ने रेकमेंड किया एक फोर टीयर सिस्टम में। ये फोर टीयर सिस्टम थे, नंबर वन में है ग्राम पंचायत गांव लेवल के लिए, नंबर टू में है आंचन समिति सर्कल लेवल के लिए, नंबर थ्री में है जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, और नंबर फोर में है एजेंसी काउंसिल एजेंसी लेवल, एजेंसी लेवल यानी कि स्टेट लेवल के लिए। और ये जो मेंबर्स थे उनका टेन्यूर तीन साल में फिक्स किया गया था। टेन्यूर मतलब ये पोजीशन में कितने साल तक काम कर सकते हैं। और उसका बाकी रेकमेंडेशंस थे कि जो अरुणाचल में माइनॉरिटी ट्राइब्स है जिसका पॉपुलेशन बहुत कम है वो सब ट्राइब्स से एक उन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव्स उन लोगों का लीडर डिस्ट्रिक्ट लेवल में नॉमिनेट हुआ जाए ताकि उन लोग को एनफ रिप्रेजेंटेशन मिले। वो लोग अपना कम पॉपुलेशन के वजह से कहीं उन लोगों को साइडलाइन ना किया जाए। और सेकंड में है और दूसरा रिकमेंडेशंस थे इलेक्शन सिस्टम जो होगा वो सीक्रेट बैलेट सिस्टम के बेस्ड में होगा। और ये दाइंग एरिंग कमिटी ने प्रोविजंस बनाए थे प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए और वाइस प्रेसिडेंट आंचल लेवल के लिए। यूजुअली जो प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल में होते थे वो डीसीस बन होते थे। और अभी के लिए आपने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ब्रीफ समरी ऑफ दाइंग एरिंग कमिटी के बारे में आपको पता चल गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी पंचायती राज के बारे में, जो आपको डिटेल्स देंगे कि अरुणाचल का जो पंचायती राज सिस्टम है उसका जन्म कैसे हुआ, उसका सिग्निफिकेंस क्या था। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।